गुड मॉर्निंग क्लास, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हियर, योर इंग्लिश टीचर। हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, एज यू नो वी हैव रेड यस्टरडे थ्रू द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन। आफ्टर नोइंग द format of the application, you will be able to write any application. So let us learn the format of the application. As you know, we have a blank page over here. So when you are going to write an application, what does it mean by application? Mean it an humble request to the other person through which you are going to take the leave. Okay, now come on the page number next. You will have to write the principal, or next you will have to leave the space and you will have to write the first page, school, and then the city. Okay, come on the next line. Leave the one line and come on the next line. You will have to write subject, whatever you are gonna to write. For what purpose you are going to write an application? Clear everyone? Okay, come on the application. Today we have to learn about the application for attending marriage ceremony. Application for attending the marriage ceremony. Okay, so you will have to start from the addressing of the principal. The principal, and the next line you will have to write the name of your school, and then the city. Clear? And then you will have to write the principal or the ma'am or the sir, and then you have mentioned already over there that the subject about which you are going to write. Your subject is here, application for the marriage ceremony. You want to attend the marriage ceremony of your brother, cousin, sister or your friend. Okay, so you will have to start with the due respect. I beg to state that I have to attend the marriage of my brother. इस लाइन में आप क्या बता रहे हैं कि मोहतबाना गुजारिश है या बहुत अदब के साथ गुजारिश है? I beg to state that I have to attend the marriage ceremony, your marriage party of my brother. Therefore, इसीलिए I cannot, मैं नहीं आ सकता. Cannot जो है जब negative form होती है, इसका मतलब है कि आप वो काम नहीं कर सकते. आई कैन नॉट कम टू स्कूल. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days. तो इसमें आपने क्या मेंशन किया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ. आई बैक टू स्टेट दैट मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ. आई हैव टू अटेंड, मुझे एक अटेंड करनी है द मैरिज, शादी ऑफ माय ब्रदर, मेरे अपने भाई की. सो देयरफॉर, यहाँ तक आपने, जब आपके एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, यू विल हैव टू पुट द फुल स्टॉप. ओके, और अगर आप किसी सेंटेंस में कॉमा फुल स्टॉप पुट नहीं करते हैं और कॉमा पुट करते हैं लाइक दिस, देयरफॉर के बाद हमने पॉज लिया है, अभी हमारी बात जो है वो कंटिन्यू है. सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉमा पुट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम कॉमा पुट करेंगे. दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल. आपने बोला है यहाँ पर कि मैं स्कूल नहीं आ सकता या आ सकती, फिर हमारी यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई, तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया है? फुल स्टॉप. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days. जब आप किसी अपने बॉस को, किसी सर को, किसी प्रिंसिपल को, मैम को आप एड्रेस कर रहे होते हैं, उनको मुखातिब कर रहे होते हैं, तो आप उनके लिए लास्ट वाली लाइन्स में, एक लाइन में आप थैंकफुल लिखते हैं, और उससे पहले वाली लाइन में आप उनको कहते हैं कि मैं आपके लिए, मुझे बराए मेहरबानी या आपकी नवाजिश होगी, या मुझे इसके लिए 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी चाहिए. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days. यहाँ पर आपने मैंशन किया है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू. मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार होगा. ठीक है, टू यू फॉर दिस काइंडनेस, कि आपके इस एक्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार हूँ. क्लियर यहाँ तक? आगे है योर्स ओबीडियंटली, यानी कि यहाँ पर आप अपने आप को बता रहे हैं, अपने बारे में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. स्टार्टिंग पार्ट में प्रिंसिपल का, बॉस का, जहाँ पर भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनका नेम आएगा, फिर यहाँ पर उनका एड्रेस.